हेलो दोस्तों, टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। अगर आप रियलमी कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या फिर ओप्पो कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका जितने सारे आप लोगों ने जो रियलमी कंपनी का फोन एंड ओप्पो का जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपका जो ओरियो का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका ओरियो का जो 8, ठीक है, आपका ओरियो का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ़ोन के अंदर जितने सारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका जितने सारे फ़ोन के अंदर आपका जो रियलमी एंड मतलब आपका जो बहुत पुराना फ़ोन जो रियलमी होता है एंड उसके साथ आपका जो ओप्पो का जो फ़ोन है उसके अंदर आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इस फ़ोन के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है जो कि आपका जो पाई वर्सन है, ठीक है, एंड्रॉयड 9 जो पाई वर्सन है वो एंड्रॉयड पाई वर्सन का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आपका अपडेट आ चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरे पास एक रियलमी C1 का मोबाइल है, ठीक है, तो उस फ़ोन के अंदर ये अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपडेट एंड इंस्टॉल करके। और बहुत सारे जैसे ओप्पो ए फाइव एस मॉडल का जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उस फ़ोन के अंदर भी ये अपडेट आ चुका है, बहुत सारे फ़ोन पर आया है और बहुत सारे फ़ोन पर अभी भी नहीं आया है, तो उन फ़ोन के अंदर भी कुछ दिन वेट करो तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई मेरा एक ओप्पो ए फाइव एस मॉडल का जो फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है, क्योंकि उसका जो फाइल है वो आपका 2GB है, उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करें, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि आपका यहाँ पर न्यू सिस्टम अपडेट आया है जो कि आपका पाई वर्सन, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्सन है, तो वो सिस्टम अपडेट आपको यहाँ पर कर लोगे तो आपका फोन और भी बहुत अच्छा हो जाएगा एंड बहुत कुछ न्यू फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब ओरियो जो वर्सन है आपका फोन के अंदर वो आपका पाई पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लेटेस्ट वर्सन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पाई वर्सन, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मेरे पास एक रियलमी का C1 का एक मॉडल का जो फ़ोन है, ठीक है, तो ये फ़ोन आप देख सकते हो, तो उसके अंदर अपडेट आया है नया, तो वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर अबाउट फ़ोन एंड यहाँ पर जो देखिए देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्सन, यहाँ पर देख सकते हो ओरियो का है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ओरियो वर्सन का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इसको अपडेट करके मैं आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको पाई वर्सन कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आपका फ़ोन के अंदर, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो का भी स्किप नहीं करना, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा आपका अपडेट पर, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट बोल के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो सिंपली उसके अंदर जाना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है, उससे पहले आपको कोई भी चाहे या फिर वाईफाई या फिर डेटा कनेक्शन करके रखो, तो सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पर सजेस्ट करूँ कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 8 है, ठीक है, जो कि मतलब आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओरियो का जो वर्सन है आपका जिसका फ़ोन के अंदर, तो सिर्फ उसी फ़ोन पर आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपका जो कि रियलमी कंपनी का फ़ोन है एंड ओप्पो कंपनी का जो फ़ोन है तो उसके अंदर ये अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग के यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो फ़ोन है उस फोन का जब अपडेट करोगे तो सिंपली मैं आप लोग के यहाँ पर सजेस्ट करूँ कि आपका यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फाइल का साइज है वो है आपका यहाँ पर 2GB, ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपका फाइल का साइज है 2GB, तो मैं कलर वे 6 यहाँ पर देख सकते हो बैच ऑन एंड्रॉयड पाई, ठीक है, तो ये 2GB का फाइल है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपके यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके करो, क्योंकि आपका ये जो फाइल है वो लंबी है, वो बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा कि आपके यहाँ पर जो एंड्रॉयड ओरियो वर्सन है वो ओरियो से आपका कन्वर्ट होगा पाई वर्सन पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कलर वे 6 बैच ऑन एंड्रॉयड पाई, तो यहाँ पर मैं आप लोग दिखा दूँ यहाँ पर जो कलर वे 6 पाई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपडेट आया है तो वो मैं आप लोग सबसे पहले दिखा देता हूँ जो रियलमी C1 का फोन के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर 2.5GB उसका फाइल साइज है, कलर वे 6 बैच ऑन एंड्रॉयड पाई, तो यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका न्यू अपडेट, ठीक है, तो इसको अपडेट एंड इंस्टॉल करके मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, वीडियो कहाँ पर स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा आपका सेटिंग्स पर, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स ओपन कर लूँगा, तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट के वाला जो ऑप्शन है उसके प्रेस करने के बाद कोई इस तरह कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो न्यू वर्सन ऑफ कलर ओएस, ठीक है, यहाँ पर वर्सन देखने मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो 2.5GB उसका फाइल का साइज, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कलर ओएस 6 बैच ऑन एंड्रॉयड पाई, ठीक है, तो ये जो अपडेट है बहुत सारे फ़ोन के अंदर आ चुका है, ठीक है, आपका जो ओप्पो का फ़ोन है उसके बाद आपका जो बहुत सारे रियलमी का फ़ोन है, ठीक है, और ओप्पो ए फाइव एस मॉडल का फ़ोन के अंदर ज़्यादातर आया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, ठीक है, मुझे बताया था,
तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बना रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करूँगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का एक ही फिक्स है, सिंपली आपको वाईफाई कनेक्ट करो या फिर डेटा कनेक्शन ओपन करके आपका जो सिस्टम है जो भी अपडेट है वो आप सिंपली उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उस सॉफ्टवेयर को सिंपली अपडेट कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपका न्यू फीचर देखने मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका फाइनली आपका फ़ोन के अंदर है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओरियो 8.1.0, तो उससे कन्वर्ट होकर आपको हो जाएगा आपका यहाँ पर कलर ओएस 6 बैच और एंड्रॉइड 5 वर्जन, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या, आपको सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है डाउनलोड के ऊपर, उसके बाद आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 GB है उसका फाइल का साइज है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर मतलब बहुत टाइम आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोग को कैसे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है वो मैं आप लोग को बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। तो अब मैं यहाँ पर ये इस वीडियोस को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, जब मेरा 90% या फिर 95% कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड, उसके बाद मैं आप लोग को फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर मेरे वीडियोस को पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मेरा 97-99% यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 GB यहाँ पर मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर और कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन आपका रिसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा 2.2 GB यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2.4 GB हो चुका है। तो जैसे 2.5 GB कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है फ़ोन यहाँ पर रिबूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा 2.5 GB यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर मेरा जो फाइल है वो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका था। अब आपके यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल करनी है इस फाइल को, ठीक है। तो सिंपली आपका जो फाइल है उस फाइल यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। सो डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको कहना क्या, आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है कि अपडेट ना हो, तो सिंपली उसके ऊपर आपको प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेस कर दिए उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, ठीक है। तो फ़ोन वेरीफाई हो जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन आपका यहाँ पर इंस्टॉलिंग होना शुरू हो जाएगा आपका जो न्यू सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ मिनट वेट कर लेनी है, कुछ सेकंड आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी टाइम आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन का आपको किसी भी तरह छेड़छाड़ या फिर स्विच ऑफ नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये फ़ोन रिबूट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल है वो फाइल यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, तो अभी मेरे वजह से फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है। तो रिबूट होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है वो फ़ोन अभी यहाँ पर अपडेट होना मतलब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपको जो न्यू ऑपरेटिंग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते 2 मिनट टाइम लेगा मेरा जो न्यू सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम देखने मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते इसमें टाइम रिमाइनिंग इच 2 मिनट्स, ओके। 2 मिनट्स आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट वेट करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको और यहाँ पर 1 मिनट वेट कर लीजिए। तो उसी टाइम आपका फ़ोन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ किसी भी तरह नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे तो आपका जो फ़ोन का जो चार्ज है वो चार्ज सबसे पहले फुल कर ले, फुल करने के बाद ये आपका जो न्यू आपका सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसी टाइम आपका फ़ोन स्विच ऑफ करेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आपका फ़ोन जब अपडेट करेंगे तो उसी टाइम आपका उससे पहले आपका जो फ़ोन का जो चार्ज है वो चार्ज फुल कर लीजिए, ओके। तो फाइनली अभी मेरा जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हो स्विच ऑफ हो चुका है। स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर रिबूट हो जाएगा, देख सकते हो दोबारा मेरा जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन ओपन होने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है वो फाइनली ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर जो न्यू सिस्टम है वो यहाँ पर फिनिशिंग हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड सिस्टम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर फिनिशिंग हो चुका है, तो अब मैं आप लोग को सिंपली जो फ़ोन है फ़ोन को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ठीक है मैं जो यहाँ पे जो एंड्रॉइड ओपन सिस्टम है वो यहाँ पे पाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सिंपली ओपन करने के बाद उसका सेटिंग है वो सेटिंग्स पर सिंपली जाऊंगा, ठीक है। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद उसका जो दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पर अबाउट फ़ोन, ठीक है।
तो अबाउट फोन पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो कि एंड्रॉयड वर्सन। ओके तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ओरियो 8.1.0 जो वर्सन था वो यहाँ पर फाइनली 5 वर्सन पर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आपका यहाँ पर जो फ़ोन के अंदर जो न्यू अपडेट आया है, ठीक है, तो आपका जो ओरियो अपडेट है तो जो कि ओरियो आपका वर्सन है 8.1.0 का, तो वहाँ से कन्वर्ट करके आपका जो 5 वर्सन है वो न्यू वर्सन, तो वो आपको अपडेट कर सकते हो। तो आई होप आपका सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी सवाल है सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट से कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये फायदा रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सब चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।